गोरखपुर और सैफई, सैफई वाला विकास गोरखपुर को नहीं चाहिए। वहाँ भड़ुआ नाच होता है, यहाँ भगवा का नाच होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जो जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, सूर्या राय के डांस की बात कर रहे हैं, सैफई में और क्या होता है? सैफई में सूर्या राय का डांस होता है और यहाँ भगवान का भजन होता है। सैफई में सिर्फ नाच गाने वाला विकास था, वो कभी यहाँ लाएंगे भी नहीं हम लोग, वो कल्चर लाने भी नहीं देंगे कि केवल नाच गाना रहे। यहाँ पे विकास आपको देखना है तो सड़कें देखिए, चौराहे देखिए, नाच गाना मत देखिए। नाच गाना देखना हो तो सैफई जाइए। अरे तो सैफई में अपने घर का ने किया, तो पूरे प्रदेश के कर रहे हैं। कुछ भी कहे, नचनिया वहाँ, यहाँ नचनिया थोड़ी नाच रही है, वहाँ नाचती है। यहाँ पे रामगढ़ताल देख लीजिए आप, गोरखपुर देख लीजिए। बाबा जी फिर आएंगे? हाँ फिर आएंगे। सब कह रहे हैं आने नहीं देंगे। कौन नहीं आने देंगे? अगले जी, अब जब तक सांसद थे कोई नहीं हिला पाया, तब तो मुख्यमंत्री हो गए तो कौन हिला पाएंगे। तो रोल रही चलेगा, तो बुलडोजर रही चलेगी, तो क्रेन ही, और कुछ नहीं चलेगी। और कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी में दम नहीं। साइकिल में एक क्विंटल का वजन नहीं, वो कहाँ झेले पा रही है। क्या नाम हो गया भैया? नाम क्या हो गया आपका? कार्तिके। कार्तिके जी, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है इस बार? योगी जी हैं, और क्या माहौल है? योगी जी माहौल, योगी जी बस। और योगी जी विकास किया है, विकास कर रहे हैं। अच्छा, बस विकास किया है, क्या विकास नजर आया? अभी योगी जी भी आने वाले हैं यहीं पे। विकास अब चारों तरफ गोरखपुर में घुमा के देख लीजिए, कैमरा आपको दिख जाएगा। अच्छा, कल अखिलेश जी तो आए थे, उन्हें तो दिखा नहीं विकास। विरोधी उनको नहीं दिखेगा। क्या जी? वो विरोधी उनको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। कह रहे कि जो सैफई में हमने विकास किया था, वैसा विकास गोरखपुर में नहीं। गांव के विकास और शहर के विकास में बड़ा अंतर होता है। उन्होंने गांव का विकास किया, योगी जी ने मंडल का विकास किया, पूरे यूपी का विकास किया। अच्छा, सैफई ये गाँव है। कह रहे ऐसा विकास नहीं है जैसा सैफई में था। वो कुछ भी कहे, नचनिया वहाँ, यहाँ नचनिया थोड़ी नाच रही है, वहाँ नाचती है। यहाँ पे रामगढ़ताल देख लीजिए आप, गोरखपुर देख लीजिए, गोरखपुर की सड़कें देख लीजिए, पानी देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, देखिए हर जगह बिजली, 24 घंटे बिजली है। गांव बिजली तो 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं इस बार अखिलेश जी। 300 यूनिट फ्री नहीं चाहिए हमको, 300 यूनिट नहीं चाहिए। रात भर रहेगी, दिन भर नहीं रहेगी, वही फ्री होगा। वही फ्री होगा, 300 यूनिट फ्री इस बार, वही फ्री है ना। आधा दिन नहीं रही, आधा दिन रही, रात भर पंखा हिलाइए, वह ना फ्री है, और क्या है। गोरखपुर में विकास हुआ है, आप घुमा के कैमरा देखिए। तो कल अखिलेश जी को क्यों नहीं दिखा? वो अंधा है, उसको खुद नहीं पता है कि क्या है विकास। उसको अपने घर का विकास किया, और किसका किया है? कह रहे जैसे हमने सैफई में विकास किया, वैसे यहाँ नहीं दिखा हमें। अरे तो सैफई में अपने घर का ने किया, तो पूरे प्रदेश के कर रहे हैं। अच्छा, प्रदेश का हो रहा है। कह रहे बाबा जी हार रहे हैं इस बार। अरे तो वो तो समय बताएगा क्या करेंगे। कह रहे बाबा जी जाने वाले हैं। वो तो ठीक है, वो तो कहेंगे ही। क्या भैया? अखिलेश यादव को 7 जन्म लेना पड़ेगा। 7 जन्म? 7 जन्म क्यों? योगी को हराने के लिए। क्या बात है योगी में, जो योगी नहीं हार सकते। अरे यार कितनी बार कहें, 96 से तो देखना है, कई लोग आए और गए। योगी वही के वही है, मुख्यमंत्री हो गए, सांसद से प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कुछ दिन हम प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री 10 साल बाद प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, यही तो कोई जाएगा, उठ के जाएगा। ओवैसी साहब कह रहे हैं तो मठ में भेज देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ये तो। उसको खुद ही प्रधानमंत्री बनना है, वो क्या बोलेगा? अच्छा, प्रधानमंत्री बनने लायक बनना चाहता है, कौन नहीं चाहता बनना? अच्छा, ये बताइए, अखिलेश होने चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार बाबा जी का कहीं नजर नहीं आ रहा, हमारी सरकार है बस। तो वो तो कहेंगे कहेंगे, जनता में इस तरह से फैलाएंगे तभी तो आगे आएंगे। लालू पांडे, लालू पांडे जी, पांडे जी क्या लग रहा है, किस पे जा रहा है इस बार माहौल? पहले तो आपकी बात का जवाब दे दें। गोरखपुर और सैफई, सैफई वाला विकास गोरखपुर को नहीं चाहिए। वहाँ भड़ुआ नाच होता है, यहाँ भगवा का नाच होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जो जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, सूर्या राय के डांस की बात कर रहे हैं, सैफई में और क्या होता है? सैफई में सूर्या राय का डांस होता है और यहाँ भगवान का भजन होता है। यहाँ की सड़कों का, इधर जब से हम लोग आए हुए हैं, हम लोग सेंटर यूपी से रहने वाले हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कि मिनी बॉम्बे की तरीके से इसका माहौल है गोरखपुर का। इतनी सुंदर झील बनी है, वहाँ से ये लगता है मरियम ड्राइव पे बैठे हुए हैं।
इतना विकास और कैसे विकास के फिर क्या प्रवास है उस विकास के प्रवास। कल आए थे अखिलेश जी, कह रहे जो सफाई में विकास था वो गोरखपुर में नजर नहीं आया, इसलिए बाबा जी विकास से चिढ़ते हैं। विकास जो सफाई में किया है ना वो तो मालूम है ना, तो फिर 3 से 4-5 साल से क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कोई डांसर पहुंच पाया सर, वो तो चलता रहता, क्योंकि वो विकास को जनता पसंद नहीं करती है, जनता इस विकास को देखना चाह रही है जो बाबा विकास को जो बाबा जी कर रहे हैं, जो बुलडोजर के बाला विकास कर रहे हैं, ये जनता देखना चाह रही है, ये जनता देखना चाहती है जी। तो क्या लगता है बुलडोजर चलने वाला है या रुक गया इस बार? डीजल पड़ चुका है, बस स्टार्टिंग शुरू है 10 मार्च को, बिल्कुल पूर्वांचल से चलेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक चलेगा, कहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसी के लिए हाईवे बना रखे हैं बाबा जी ने, जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और तमाम रोड बनाए हैं, ये इसी के लिए बनाए हैं कि इनका बुलडोजर बिना ब्रेक के चला जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिना ब्रेक के। वो तो साइकिल भी कह रहे हैं बहुत तेज चल रही है साइकिल भी, कहाँ चल सकती है, आप बैठ के तो देखिए दूसरे झटके में नीचे हो जाएंगे, कैसे चल जाएगी साइकिल, नहीं चल चलेगा तो रोलर ही चलेगा, तो बुलडोजर ही चलेगी, तो क्रेन ही, और कुछ नहीं चलेगी, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी में दम नहीं, साइकिल में 1 क्विंटल का वजन नहीं वो कहाँ झेले पा रही है, बुलडोजर का वजन तो मालूम ही होगा आपको कितना है, कम से कम 2-4-10 टन होगा, अच्छा। तो टन के आगे क्विंटल कहाँ चल पाएगा, तो बुलडोजर तो चलेगा, दौड़ेगा और फुल स्पीड में चलेगा, उस बार साइकिल की और बुलडोजर की टक्कर में बुलडोजर आ ही नहीं, साइकिल टक्कर में तो बुलडोजर का कहा, बुलडोजर तो चलेगा भैया। ये बताइए बाबा जी ने एक नारा दिया था, नारा कहें या भाषण दिया था कि गर्मी शांत कर देंगे 10 मार्च के बाद, शांत होगी वो तो कह रहे बाबा जी की गर्मी शांत हो गई, बाबा जी ठंडे पड़ गए, बाबा जी को तो अनुभव है गर्मी में रहने, कोई समस्या नहीं, बाबा जी तो ठंडी में भी रह लेंगे और गर्मी में भी रह लेंगे, जो लोग गर्मी चढ़ाए हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था है और उन्होंने उसके लिए पूरा कोल्ड स्टोरेज तैयार कर रखा है, कोल्ड स्टोरेज तैयार है, उसी में ठंडा किया जाएगा। नीचे भैया कह रहे हैं अखिलेश, अरे भैया एक मिनट, अखिलेश जी कह रहे हैं बाबा जी गर्मी शांत हो गई, अब किसने बोला बाबा जी, अखिलेश जी ने, अरे अखिलेश जी पहले अपनी गर्मी शांत कर लें और 10 मार्च को शांत हो जाएगी, और उनके उनके जो सफाई में जो महोत्सव होते थे वहाँ पे बर्फ पहुँच रही है, वहीं पे लेटाया जाएगा, उनकी जितनी गर्मी है सब शांत हो जाएगी, सारा ठंडा हो जाएंगे, वो सफाई में बर्फ पहुँच रही है, बिल्कुल पहुँच रही, बुलडोजर लेके जा रही है भाई, इस बार बुलडोजर पे जा रही है, जितनी बर्फ जा रही है बुलडोजर पे जा रही है, हाँ, तो इस बार गोरखपुर की जनता बुलडोजर पसंद कर रही है साइकिल, अरे बुलडोजर पसंद कर रहे भाई, बुलडोजर ही उनका फेवरेट है अब, बुलडोजर हाँ, साइकिल 10 मार्च को टूटी दिखेगी आपको, यूपी के एक एक विधानसभा क्षेत्र में आपको दिखेगी साइकिल टूटी हुई रहेगी, साइकिल टूटी रहेगी। कल अखिलेश भैया जी आए थे गोरखपुर में, अरे वो आए थे पैसा देके गए सबको, पैसा देके गए, पर कह के गए, आप यहाँ पे जितने भी बीजेपी समर्थक चाहे जितने भी लोग हैं, आप इनसे किसी से पूछ लो, किसी को भी पैसा नहीं मिला, लेकिन अच्छा। कल की रैली में एक एक से आप पूछ सकते थे, सबको पैसा मिला था रैली में आने का। एक बात बताइए अखिलेश जी, कल आए कहे कि गोरखपुर में ना सफाई वाला विकास नजर नहीं आया हमें, जो सफाई में विकास था, सफाई में सिर्फ नाच गाने वाला विकास था, वो कभी यहाँ लाएंगे भी नहीं हम लोग, वो कल्चर लाने भी नहीं देंगे कि केवल नाच गाना रहे, यहाँ पे विकास आपको देखना है तो सड़कें देखिए, चौराहे देखिए, नाच गाना मत देखिए, नाच गाना देखना हो तो सफाई जाइए। क्या लगता है इस बार गोरखपुर की जनता वो वाला विकास देखना चाहेगी या चल रहा है ठीक है? जो विकास चल रहा है उसी तेजी से विकास बढ़ते रहेगा, 2022 नहीं 2027 में भी योगी जी आएंगे, तो कह रहे हैं इस बार बाबा जी चले गए मठ में बैठेंगे, बाबा जी का ही सीट रहेगा इस समय भी, बाबा जीत रहे हैं, जीत रहे अखिलेश जी कह रहे हम जीत रहे हैं, अरे ऐसे कहने से नहीं हो गया, हाँ कुछ काम किए हैं करके दिखाए हैं, तब तो एक हफ्ता दिन में लाइट थी, एक हफ्ता रात में लाइट थी, अब कहाँ गए, बोल रहे 300 यूनिट फ्री करेंगे, जब लाइटिया न रहेगा तो कहाँ से फ्री करेंगे, रोड उनके सरकार में 70 साल तक कांग्रेस और सपा थी, कितना रोड बनवाए हैं, कितना जनता को सुविधा दिए हैं, बेईमानी चोरी यही सब तक कराए हैं, बाबा जब से यहाँ सबको सुकून है शांति है, बुलडोजर का साथी भी आ गया आपको देखो, आना दो उससे कोई मतलब नहीं, पर बाबा आप फिर आएंगे, बाबा जी फिर आएंगे, हाँ फिर आएंगे, सब कह रहे हैं आने नहीं देंगे, कौन नहीं आने देंगे अखिलेश जी, अब जब तक सांसद थे कोई नहीं हिला पाया, तब तक मुख्यमंत्री हो गए तो कौन हिला पाएंगे, आपको एक चीज दिखा, एक मिनट आप ये वीडियो अखिलेश जी को जाके दिखा दीजिएगा, आप ये वीडियो अखिलेश जी को जाके दिखा दीजिएगा कि गोरखपुर का एक युवा
देख लीजिए आप भगवा रंग में चढ़ा हुआ है। आपको इतनी जनसंख्या नहीं दिख रही है, उनको यही दिखा दीजिए आप, वैसे ही डर जाएंगे वो। उनकी जो गर्मी है वैसे ही ठंडी पड़ जाएगी लोगों की भीड़ देख के, लोगों का हुजूम देख के। तो भगवा का अपमान तो डिंपल भाभी भी कर रही है कि जंग लग गया है इसमें तो। डिंपल भाभी का अपमान तो उनकी पार्टी ही करती है भाई, डिंपल भाभी का अपमान तो उनकी पार्टी ही करती है। अच्छा क्या भैया, एक भाभी अपमान कर रही है और दूसरी भाभी सम्मान दे रही है। इधर आइए जरा, क्या नाम हो गया? सूर्य प्रकाश भैया। अरे भैया आराम से। शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती, सोना लाख टुकड़ा हो जाए कीमत कम नहीं होती। गरीबी तोड़ देती है, जो रिश्ते खास होते हैं पराए कब होते हैं, जब पैसे पास होते थे। इस समय सपा सरकार नहीं है, जब पैसा रहता था तो सपा चुनता था कि मतलब किसको हम मतलब थाने पर चौकी पर हर चीज पे वहाँ सपा का राज चलता था। इस समय बाबा का राज है, ऑनलाइन सब कुछ सेवा हो गया है, जहाँ हम चाहेंगे अपन अपना मतलब सम्मान रहेगा, हमारा इज्जत रहेगा वहाँ, हमारा वही सम्मान करेंगे। हाँ अच्छा। बाबा के अलावा कोई आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सूर्य प्रकाश सिंह युवा तो कह रहे इस बार अखिलेश जी के साथ चला गया। बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कोई सही नहीं जाएगा, इतना विकास हुआ है युवा कहाँ जाएगा। तो विकास तो कल दिखा नहीं अखिलेश भैया को, कैसा विकास नजर आया? कैसे नहीं दिखा ये बताइए जी, जो अखिलेश यादव ने पिपराई चीनी मिल बेच दिया, पिपराई चीनी मिल जिन्होंने बेच दिया, पूज्य महाराज जी ने कैबिनेट की पहली बैठक में 407 करोड़ रुपए के लागत से पिपराई चीनी मिल मुख्यमंत्री बनने के 10वें दिन स्वीकृत कर दिए, तो कहाँ युवा जाएगा? क्या लग रहा है इस बार, अखिलेश भैया या बाबा जी? योगी आदित्यनाथ। क्या भैया? योगी जी। योगी जी। योगी जी।